फिर क्या हुआ, निकल लिए दूसरी मंजिल की तरफ। ये हवा महल देखने के बाद तो दूसरी मंजिल की तरफ जाना जरूरी था। अगर आप हवा महल का वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, आप वीडियो जरूर देख लें और ये वीडियो लास्ट तक देखें। फिर से आज दूसरी प्लान बन गया है, यहाँ पे पेट्रोल भराने आए हैं। पेट्रोल भरा करके फिर दूसरी प्लान में आज का जो है सो आगे जाके बताता हूँ। फिर पेट्रोल भर करके हम ये मेन गेट है हजारीबाग नेशनल पार्क का, जहाँ पे बायोलॉजिकल पार्क बोल सकते हैं, वाइल्ड लाइफ बोल सकते हैं। और हम एंट्री हो चुके हैं, यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर जाना पड़ेगा अंदर। और यहाँ पे काफ़ी एनिमल्स देखने के लिए मिल सकता है, और ओपन एरिया है, एनिमल्स की संभावना अगर दिख सकता है तो बेहतर है। और यहाँ पे जंगल पूरा फॉरेस्ट चारों तरफ से है, तो फिर आगे जा कर दिखाते हैं आपको। स्वागत करते हैं फॉरेस्ट से जंगल में। आप लोगों को एक नया एक्सपीरियंस मेरे को होगा, क्योंकि अपने घर तरफ के जगह पे मैंने पहली बार ऐसा रास्ते में सफ़र करने का सफ़र कर रहा हूं। और ये जो जगह है, कम से कम मेन गेट से आपको 10 किलोमीटर्स के अंदर में दरमियान ये जगह है नेशनल पार्क, जो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिकल पार्क बोल सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी जानवर से रहते हैं, वैसे भी कुछ कुछ जगह है कि देखने के लिए मिल सकता है, तो अगर देखने मिल सकता है तो हम आपको दिखाएंगे, क्योंकि जंगल सफारी तौर पे भी एक दरमियान इसको बोला जा सकता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा कि अपने तरफ करके कि एक सफारी तौर पे हम लोग जा रहे हैं, लेकिन अपना बाइक ही है, अपना स्कूटी से ही जा रहे हैं। और आपको अगर आना हो इस जगह पर तो बेहतर आप जब आते हो हजारीबाग तरफ से, तो आपको 19 से 20 किलोमीटर मैन जगह है वहाँ जहाँ से एंट्री कर सकते हैं वहाँ तक पड़ेगा, और वहाँ से 10 किलोमीटर अंदर की तरफ जाना पड़ेगा। और अंदर इस जगह पे अगर ये पार्क टाइप के बोला जाता है, एनिमल्स हैं, बहुत सारा चीज़ें हैं आपको देखने के लिए मिलेगा इस जगह पे। तो ये तो एक्सपीरियंस तो मेरे को ये तो पता नहीं है, लेकिन बट अंदर जा कर के पता चलेगा कि सच में रियलिटी में क्या है। अगर आप इटखोरी और बरही तरफ से आते हो, इटखोरी तरफ से तो वहाँ से आपको 35 से 40 किलोमीटर यहाँ तक तय करना पड़ेगा, और बरही तरफ से आते हो तो 20 से 25 किलोमीटर आपको यहाँ तक आना पड़ेगा। और जो मेन गेट तक, मेन गेट से आपको 10 किलोमीटर अंदर तरफ जाना पड़ेगा। तो फाइनली 7 से 8 किलोमीटर पहुँच के अंदर, और इसे दरमियान बंदर सिर्फ देखने के लिए मिला है। तो फाइनली देखने के लिए मिला है हिरन, और बताते आप लोगों को, दिखाते हो फाइनल दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो दौड़ता हुआ नज़र आ गया, ये सारे हिरन थे, ये सारे कुछ इधर से थे, हमारे वजह से उन लोग निकल लिए। और आगे जाके दिखाता हूँ क्या, इसलिए सारे चारों तरफ से ये घेर रखा है, क्योंकि इसके अंदर ही होंगे, इससे बाहर तो आना है। तो फाइनली पहुंच गए हम लोग नेशनल पार्क, लेकिन इस जगह पे कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं, इसलिए दिखाए होंगे बताए होंगे कि वहाँ पे देखने के लिए मिला था हिरन्स वगैरह। बट अभी अंदर में आ गए हैं, कुछ लोग नज़र आए हैं, ज़्यादा टूरिज्म तो आते नहीं है। और अभी मौसम थोड़ा सा बारिश वगैरह के चल रहा है, चारों तरफ से फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है, पूरा जंगल ही जंगल है। और इस वक्त देख सकते हो इधर पर आपको देखने के लिए मिला होगा, ये बैठने वाली कुछ जगह हैं, और थोड़ी सी ये जगह है जो नदी या तालाब बोल सकते हैं, जहाँ पे शायद हो सकता है कि मैंने देखा है बहुत सारा जगह पे, तो
पानी होते हुए तो एनिमल्स यहाँ पे पानी पीने के लिए आते रहते हैं। ये बालू वाली नदी थोड़ा क्रॉसिंग हुआ है, बाकी इस जगह पे आप बैठ करके एंजॉय कर सकते हो। और कुछ आगे जा करके बताते हैं आप लोगों को। तो इसके अंदर थोड़ा सा कुछ चीज़ें ऐसे देखने के लिए मिल रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत सा, काफ़ी पीसफुल। और यहाँ पे वन विभाग वाले जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, कुछ लोग यहाँ 12-13 लोग रहते हैं, तो उन्हीं से पूछे तो पता चला है कि शेर, ये लायन जो वगैरह है, सो मतलब इस जंगल में नहीं है। इससे वाजे तौर पे पता चल गया कि शेर वगैरह नहीं है, बट कुछ जानवरें हैं जो कि आपको इस जंगल के अंदर में जा करके देखने के लिए मिलेगा। तो कोई ऐसा मतलब कोई ख़तरा ऐसा तो कुछ है नहीं, जो यहाँ का डिपार्टमेंट के लोग, वन क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग बताएं। और यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है आपको ये बोट, जो कि मेरे को लगता है कि जब यहाँ पे पानी वगैरह होता होगा तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह करने के लिए मिलता होगा। बाकी कुछ नदी यहाँ से क्रॉसिंग किया है, इसमें शायद पानी रहते हुए तो जानवर वगैरह आते होंगे। और इस जंगल में काफ़ी खूबसूरत सा मौसम आज का, और दिखाते हैं आगे चलकर। यहाँ आने के बाद तो कुछ अंदर रेस्ट रूम है जो कि वन विभाग वाला रहते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें लाइक फास्ट फूड रखते हैं, तो आप यहाँ पे आके परचेज कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग लिए हैं कुछ फास्ट फूड जो कि ये लोग निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ खाने के लिए मैं सो ऐसा नहीं है। और काफ़ी पीसफुल जगह है, काफ़ी सुहाना मौसम भी है, तो हम लोग कुछ फास्ट फूड खाते हैं, फिर उसके बाद आपके से बात करते हैं। अब जब भी ऐसे खूबसूरत वादियों में आते हो तो सबसे पहले जब भी ये सब चीज़ें आपको मिलता है देखने के लिए या फिर यूज करते हो तो आप इसमें ज़रूर डालें। इससे क्या होता है कि हवन जो है बहुत अच्छा क्लीन होता है, बहुत अच्छा होता है, तो ये करना ना भूलें। और इस ब्रिज के ऊपर थोड़ा सा हम लोग चल रहे, छोटी सी ब्रिज है, और इधर पर थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या है। वाकई में अगर बोला जाए तो इसमें मगरमच्छ हो सकता है, लेकिन मुझे तो अभी तो दिख नहीं रहा है, और हो सकता है। और कुछ लोग अभी आए हैं यहाँ पे टूरिस्ट और विजिटिंग करने का, टूरिस्ट घूमने के लिए, तो कुछ लोग मिले हैं, बाकी तो बहुत कम टूरिज्म यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। लोग अभी काफ़ी दूर में आ गए हैं पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ के ऊपर जानवर देखने के लिए मतलब आए थे, लेकिन इस वक्त कहीं पे कुछ नज़र नहीं आया, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले बताए थे कि आप लोग जब भी ऊपर जाओ तो गाड़ी लेके मत जाओ, ताकर के वो एनिमल्स देखने के लिए नहीं मिल पाएंगे। यहाँ पे काफ़ी दूरी में है हम लोग, इतनी नज़दीक देख रहे हो, ये एक पूरा जंगल ही जंगल है। और ये साइड में हम लोग साथ में आए थे, और ये साइड में काफ़ी जंगल है, और यहाँ पे फिर से चलते हैं नीचे की ओर, क्योंकि हम लोग उस वक्त तो पहाड़ के ऊपर चले गए थे इस जगह पे, इस जगह से आए तो यहाँ पे एक काफ़ी खूबसूरत सा वादी देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ी दिख रहे हैं। और इस पिक्चर में तो कैप्चर नहीं हो पा रहा है, बट हमारी आँखों की नज़र जो है उस तक तो बहुत वादियाँ ही वादियाँ हैं, और पहाड़ी पहाड़ी हैं। और ये सब देख रहे हो, ये काफ़ी गहरा यहाँ से है। और हम लोग चलते हैं फिर इससे नीचे, और नीचे के बाद हम लोग चलेंगे फिर घर की तरफ, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, 2:45 हो गया है। और फिर उसके बाद हम लोग को काफ़ी ज़्यादा आज टायर्ड भी होने वाले हैं, क्योंकि बहुत जगह घूम लिए। अब इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और डोंट फॉरगेट लाइक शेयर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नए वीडियो में फिर से आपके साथ में। थैंक यू सो मच।